बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब मिल्क पाउडर और इसके साथ ही 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये मैंने चीनी डाल दी है पिसी हुई, दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हैं वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एक हम बैटर बना लेंगे। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एकदम से बहुत सारा दूध नहीं डालेंगे। जब एक बार हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें हम सारा दूध डाल देंगे। तो पूरा 1 कप के करीब मैंने दूध लिया है और इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद इस पैन को हम रख देंगे गैस पर, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसमें हम डालेंगे ताजे नारियल जो हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं। तो एक मीडियम साइज़ का नारियल लिया था मैंने, उसे ग्रेट कर लिया है। इसकी ब्राउन लेयर मैंने हटाई नहीं है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। ये इसमें डाल देते हैं और इस नारियल को दूध में डालकर तब तक पकाना जब तक ये बिल्कुल ही लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुँच जाता तब तक, और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपक कर जले नहीं। तो मैंने इसे डाल दिया है, ग्रेट किए हुए नारियल को मैंने डाल दिया है पैन में। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता काफ़ी, तभी हम इसके लड्डू बना पाएंगे। तो इसे गाढ़ा कर लेते हैं और लगातार चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। और ये देखिए इतना गाढ़ा करना है इसे, और इसे अब डाल देंगे किसी दूसरे बर्तन में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे तो हल्का सा गर्म रखना है ताकि इसे हम छू पाएँ और लड्डू बना पाएँ। तो मैं इसे हल्का ठंडा कर लेती हूँ और यहाँ पर हमारा ये मिक्सर ठंडा हो गया है। हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद इसे इस तरीके से हम लड्डू बना लेंगे। तो जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा गीला करके भी इसे लड्डू को बना सकते हैं, चाहे आप घी लगा लें चाहे आप पानी से गीला कर लें, तब भी लड्डू अच्छे से बन जाते हैं और चिपकते नहीं हैं हाथों में। तो इस तरीके से लड्डू बना लेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये नारियल के लड्डू बन के तैयार हैं। ओरियो चॉकलेट लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ओरियो के पैकेट ले लिए हैं। बिस्किट को निकाल कर इसे हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसे हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इसका एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़े से लड्डू मीठे चाहिए तो इस साथ में आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये बिस्किट को तोड़ लिया है मैंने और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बोल में। बिस्किट को मैंने बोल में निकाल लिया है और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हर्शीज चॉकलेट सिरप और साथ में दूध। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका हम बिल्कुल आटे की तरह मिक्सर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ये हर्शीज सिरप ही डाल रहे हैं साथ में दूध, इसलिए हमें यहाँ पर दूध थोड़ा ही यूज़ करना है। जितनी ज़रूरत हो उतनी तो हम डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और यहाँ पर हमारा ये बिस्किट का मिक्सर बन के तैयार है। तो इस तरीके से ये मिक्सर तैयार कर लेना है। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर या तेल लगाकर इस मिक्सर के हम छोटे छोटे लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। और साथ में मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो ले सकते हैं। इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे ताकि हमारे ये बिस्किट चॉकलेट लड्डू बहुत ही टेस्टी लगे खाने में। और भी तो इस तरीके से इसे पैक कर देना है। तो कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अभी मैंने काजू डाला है, आप सारे ड्राई फ्रूट इसी तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक लड्डू बन के तैयार है। तो सभी लड्डू को इसी तरीके से मैं बना के तैयार कर लूँगी। सारे बिस्किट लड्डू बन जाने के बाद इसे हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है चॉकलेट इसके ऊपर कोट करने के लिए। तो कोई भी आप चॉकलेट ले सकते हैं, 150 ग्राम के करीब चॉकलेट है। माइक्रोवेव में मैंने इसे मेल्ट किया है, आप चाहें तो डबल बॉयलर की हेल्प से इसे मेल्ट कर सकते हैं। एक एक करके हम बिस्किट बॉल लेते जाएंगे और चॉकलेट में डिप करके इस तरीके से कोट करते जाएंगे चॉकलेट से, और इसके साथ इसे बटर पेपर पर रखते जाएंगे। और साथ में कोई अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो वो भी इस पर लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसे फ्रिज में रख देंगे फिर से आधे घंटे के लिए ताकि इसमें जो चॉकलेट हमने कोट की है वो अच्छे से जम जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये चॉकलेट बॉल तैयार है। तो इस तरीके से आप ये चॉकलेट बॉल बना सकते हैं। साइडों से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट रह गई उसे आप तोड़ के हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चॉकलेट बनाइए रक्षाबंधन के दिन, बहुत ही पसंद आएगा। रक्षाबंधन पर बहुत ही आसान सी ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1/2 कप के करीब पानी और 1/2 कप ही चीनी ले लिया है। और चीनी के मेल्ट होने तक इसे हम पका लेंगे। तो चीनी की चाशनी नहीं हमें तैयार करनी है यहाँ पर, केवल मेल्ट करना है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इस बर्तन को गैस से हटा देंगे और इस चाशनी को जो हमने ये तैयार की है चीनी का घोल, इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चीनी का घोल ठंडा हो चुका है। तो इसे मैं एक बोल में निकाल रही हूँ ताकि इसमें हम फूड कलर मिला सकें।
और ये जो हमने चीनी का घोल ठंडा करके तैयार करके रखा है इसमें डाल रही हूँ मैं फूड कलर, आप कोई भी फूड कलर ले सकते हैं। फूड कलर की वजह से हमारी ये मिठाई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने ली है दूध वाली मलाई और इस मलाई को अच्छे से पहले हम फेंट लेंगे। तो मैं इसे पहले फेंट लेती हूँ, फेंटने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर, जिससे कि हमारी मलाई और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का बुरादा। ब्रेड को मैंने इस तरीके से राउंड शेप में कट किया है, आप इसे छोटा बड़ा अपने पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये जो हमने चीनी का घोल तैयार किया है इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला लेंगे, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इलायची का पाउडर मिला लेने के बाद एक एक करके जो हमने ये ब्रेड तैयार की है इस सिरप में डालेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो सिरप आ गया है वो हल्का सा निकल जाए। तो सारे राउंड ब्रेड इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से डिप करना है और इसे हल्का सा निचोड़ देना है और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मलाई। तो यहाँ पर मलाई लगा लेते हैं इसमें और उसके बाद जो दूसरा हमने डिप किया है वो इसके ऊपर कवर कर देंगे। तो ये हमारी राउंड शेप में छोटी सी सैंडविच बनके तैयार है और इसे कोट करेंगे हम नारियल के बुरादे से। और कोट करने के बाद इसे हम रखेंगे अलग और इसी तरीके से हम सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक मिठाई बना के तैयार कर ली है और सारी मिठाइयाँ ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से, जिससे कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, पिस्ता, बादाम कट करके लिए हैं और ये इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। और 15 से 20 मिनट इसे फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसे इंजॉय करेंगे, तभी ये बहुत ही ठंडा ठंडा टेस्टी लगेगा खाने में। तो इस तरीके से आप रक्षाबंधन पर ये मिठाई ज़रूर बनाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट तैयार हो जाती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, ज़रूर ट्राई करें। पनीर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें मैं 200 ग्राम के करीब पनीर डाल रही हूँ तोड़ के और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पनीर को ग्राइंड कर लेने के बाद इसे निकाल लेते हैं एक पैन में। तो मैं इसे पैन में डाल देती हूँ, डायरेक्ट बॉल में नहीं डाल रही हूँ, सीधा पैन में ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है पैन में। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, तो वो आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इसके साथ ही इलायची का पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे बिना गैस पर चढ़ाए। तो पहले हम इसे मिलाएंगे, उसके बाद ही गैस पर चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने हाथ से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद हम गैस पर केवल 2 मिनट ही इसे पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि जो पनीर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2 मिनट पकाने के बाद इस मिक्सर को निकाल देंगे एक प्लेट में और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। पनीर को मैंने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकालने के बाद इस मिक्सर को हम ठंडा कर लेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं ठंडा करने के बाद 1/4 कप के करीब नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं, नारियल के बुरादे से और भी टेस्टी लगेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मिक्सर के साथ नारियल के बुरादे को और उसके बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो हाथों पर तेल या घी लगाकर इसे हम लड्डू का शेप दे देंगे। सारे लड्डू मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और इसे हम गार्निश करेंगे केसर से। तो 1/2 चम्मच गुनगुने पानी में मैंने केसर के कुछ धागे रखे थे और इस तरीके से इसे हम लड्डू के ऊपर गार्निश करेंगे ताकि हमारे लड्डू बहुत ही सुंदर लगे देखने में। तो एक एक केसर के धागे हम हर लड्डू पे लगा देंगे और यहाँ पर हमारे ये पनीर के लड्डू तैयार हैं। तो इस तरीके से चारों मिठाइयों में से जो भी आपको आसान लगे ज़रूर बनाइए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।